हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन वेलकम है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक विजिटिंग कार्ड है जो कि मैंने कोरल ड्रा में आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो विजिटिंग कार्ड और शादी कार्ड वगैरह आप अगर कोरल ड्रा जान रहे हैं तो कोरल ड्रा में बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वर्ड जानते हैं और कोरल नहीं जानते हैं, कोरल नहीं सीखा है उन्होंने, और ये सोचते हैं कि हम एकदम से भी कुछ भी कार्ड नहीं बना सकते, विजिटिंग कार्ड या शादी कार्ड। तो ऐसा नहीं है, आप वर्ड में भी विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि सामने आपकी ये जो कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, ये वर्ड में ही बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, इसके बनाने के लिए सबसे पहला काम आप पेज सेटअप करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं कंट्रोल एन करके आपको बताने के लिए, कंट्रोल एन करके एक नया पन्ना ले रहा हूँ। नए पन्ने में सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में। यहाँ से आपको साइज़ में जाना है और एकदम नीचे यहाँ साइज़ में जाना है। जैसे ये बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स में पेपर साइज़ के नीचे यहाँ पर आपको विजिटिंग कार्ड की साइज़ देनी है। विजिटिंग कार्ड की जो साइज़ होती है वो विड्थ जो होती है 3.5 होती है, 3.5, एंड हाइट जो होती है उसकी वो 2.22 होती है ना, तो 2 करके इसको, और फिर मार्जिन में जाना है। मार्जिन यहाँ पर सब ज़ीरो कर देनी है, यहाँ पर मार्जिन सारी ज़ीरो कर देनी है। सारी मार्जिन ज़ीरो करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही क्या होगा कि ये एक ऐसे बॉक्स आएगा, इसमें आपको इग्नोर कर देना है। तो इग्नोर करते ही क्या होगा, ये आपका विजिटिंग कार्ड के पेपर का साइज़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पेपर का कलर कोई सा, जो भी आप विजिटिंग कार्ड का कलर देना चाहते हैं, आप यहाँ से आप जाइए, यहाँ से पेज लेआउट में, यहाँ पेपर पेज कलर होता है, इस पेज कलर में जो सा आपको कलर सही लगे आप उस पर एक सा कोई एक सा कलर आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो चूज़ करने के बाद ये पेपर का कलर हो जाएगा। अब इसमें कार्ड में, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी, इस कार्ड में ये एक डिज़ाइन, एक शेप बनी है, कि ये शेप बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। इसके लिए आप पहले जाइए यहाँ से इंसर्ट से शेप में, और एक आप ओवल ले लीजिए, है ना, यहाँ से एक लेकर, और इसको फिर पन्ना लेकर अंदर, और इसको एक बड़ी साइज़ में बनाइए, ऐसे नीचे बाहर तक लाइए, ये बाहर का पोर्शन आपका इसमें नहीं आएगा। और इसको आप लेकर थोड़ा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा इसको बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा किनारे कर लीजिए, है ना, ऐसे किनारे साइड लगा दीजिए। ये आपका ये एक साइज़ बन गया। ठीक है, अब इसी की आप कंट्रोल सी और वी से कॉपी कर लीजिए, इसकी कॉपी यहाँ तैयार हो गई। और कॉपी जब तैयार हो जाए तो इससे पहले आप इस पर क्लिक करके, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप इसका कलर जो भी देना चाहते हैं वो कलर कर दीजिए। ठीक है, फिर जिसको कॉपी किया है उस कॉपी को लाकर यहाँ पे यहाँ लाना, लेकिन ऊपर से इस कॉर्नर से थोड़ा सा, ये जो इस ये कॉर्नर दिख रहा है, ये इससे थोड़ा सा आप इसको घुमा लीजिए, थोड़ा सा घुमा लीजिए, हल्का सा कर्व कर लीजिए, ताकि ये इसकी जब रखा जाए तो ये सही जगह पर ऐसे रखना है इसको। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा ज़्यादा घूम गया, इसको मैं कम कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ पे लाके रखना, तो ये इस तरीके की एक शेप बन जाएगी, ये वाइट है और इसका कलर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे एक कलर बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो इसके लिए भी आप इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, और यहाँ से ये बॉक्स रेक्टेंगल लीजिए, और रेक्टेंगल इसको आप बाहर तक ऐसे, पूरा बाहर तक ऐसे बनाइए, और ये बन जाएगा। फिर इस कॉर्नर से आप इसको थोड़ा सा बाहर ले आइए। ठीक है, बाहर लाने के बाद इसका जो भी कलर आप देना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से जाकर कलर आप फिल कर लीजिए। ठीक है, फिल करने के बाद इसी के ऊपर राइट क्लिक करिए और ऑर्डर में जाइए, ऑर्डर से है ना सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब इसका कलर ये बैक चला गया। अब इसकी कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल सी और वी कर लीजिए, तो इसकी एक कॉपी यहाँ पे देखिए तैयार हो गई। इसको इसके ऊपर लाकर यहाँ रखना है आपको, और यहाँ लाकर रखने के बाद इसका कलर आप जो सा देना चाहिए यहाँ से जाकर कोई एक सा कलर आप चूज़ कर लीजिए, जो भी कलर आपको पसंद आए। फ़िलहाल मैं ये कलर दे दे रहा हूँ, ये कलर हो गया। ठीक है, अब ये कलर देखिए यहाँ भी है, इसके साथ मिक्स हो रहा है। अब आपको जो लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे लिखना है कंप्यूटर सॉल्यूशन,
तो इंसर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट में जाइए और यहाँ से कोई सा वर्ड आर्ट एक लेकर और लिखिए कंप्यूटर सॉल्यूशन और ओके कर दीजिए। ओके करने पे ये आ जाएगा। इसको आप फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट रैपिंग में जाइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए और फिर यहाँ से कलर से जो सा कलर करना वो कलर करिए और फिर इसी फिल कलर में जाकर यहाँ पे नो आउटलाइन है ना, यहाँ से ये इसमें शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है। और शेड देखिए, यहाँ पे एक शेड बनना है, इस शेड को हटाने के लिए नो शेड कर दीजिए और फिर इसको आप यहाँ से कॉर्नर से छोटा करके इसको एक सही जगह पे जहाँ पे आपको रखना चाहते हैं आप वहाँ रख दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर सॉल्यूशन, अब इसी की कंट्रोल के साथ आप ऊपर लाइएगा तो ये एक कॉपी अपने आप तैयार हो जाएगी और फिर आप यहाँ से जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद ये फिर से खुल जाएगा। इसमें मैं लिख रहा हूँ फ़ोन नंबर 9415711870 और ओके कर दे रहा हूँ। ये फ़ोन नंबर यहाँ बन गया। इसको कॉर्नर से थोड़ा जितना ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप छोटा कर लीजिए। अब ये कंप्यूटर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर इसकी फिर कंट्रोल के साथ इसको आप नीचे लाइएगा तो इसकी कॉपी एक रेडी हो जाएगी। फिर एडिट में जाइए और यहाँ पे लिख लीजिए पता। ये पता हो गया, इसको ओके कर दीजिए। ओके करके इसको भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करके, साइज सेट करके इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए और इसका कलर जो भी आप देना चाहते हैं वो कलर दे दीजिए। मैं इसको वाइट कर रहा हूँ और आउटसाइड आउटलाइन कलर मैं यहाँ पे हल्का सा दे रहा हूँ, ये लाइन कलर मैं पतला कर रहा हूँ और यहाँ से आउटलाइन का एक हेयर लाइन सा दे दे रहा हूँ। तो ये मानी डोला पक्के। अब इसके बाद DCA CCA ये सब लिखना है तो इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे और कॉपी करके फिर एडिट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सारे कोर्सेज के नाम लिखकर ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जैसा आपको अपने कार्ड में जो ज़रूरत हो उस हिसाब से आप बड़ा छोटा कर लें। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर देना है कोर्सेज का नाम, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल के साथ कॉपी कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ कोर्सेज का नहीं, नियर प्लेस है ना, तो यहाँ पर मैं एडिट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख लिया है, इसको ओके कर दे रहा हूँ। ओके करके इसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा करके आप अपनी दुकान का, शॉप का, संस्था का, स्कूल का आप विजिटिंग कार्ड अपने वर्ड में ही बना सकते हैं इस तरीके से बहुत इजीली। अब यहाँ पे मुझे लोगो रखना है तो मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, इंसर्ट से पिक्चर में जा रहा हूँ और पिक्चर से ये लोगो मेरा है, ये इस पर मैं क्लिक करके ओके कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये इंसर्ट करते ही ये लोगो आ गया। अब इस लोगो को यहाँ पे लाना है तो इसके लिए फॉर्मेट में टेक्स्ट रैपिंग से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होने के बाद इसको कॉर्नर से छोटा करिए जितनी ज़रूरत है करके और फिर इसको उठाकर यहाँ पे लाके रख देना है सिर्फ। इसको रखने के बाद फिर ये देखिए कॉर्नर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कॉर्नर, ये वाइट इसका ये पोर्शन है किनारा, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका कॉर्नर ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि जाना है आपको यहाँ से फॉर्मेट में, फॉर्मेट से रिकलर पे और यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये एक पेंसिल नुमा ये जो दिख रहा है ये बन जाएगा। इस पर आप यहाँ पर ला के क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्लिक करते ही ये पीछे का ट्रांसपेरेंट कलर जो है ये गायब हो चुका है और अब मुझे कुछ नहीं करना है, बाहर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये आपका विजिटिंग कार्ड रेडी है। आप और भी कोई डिज़ाइन देख सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, अगर आपको बनाना सीखना है तो आप इसको बनाकर भेजें, मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाना है। और आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैं पक्के पर इस पते पर भी सेंटर चलाता हूँ, ये इस पते पर भी, अगर इस पते के आसपास हो तो आप उसे डायरेक्ट आके क्लास ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।